नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी वंदना ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करने के निर्देश दिए। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना ने हल्द्वानी शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने काला ढूंगी मार्ग पर GGIC का निरीक्षण किया और रामपुर रोड में चल रहे चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण कर अन्य विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा व्यापारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी वंदना ने कई मुद्दों पर सहमति बनाई। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि जिन निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी है उनमें तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। तो इसका एक ओवरऑल प्लान बनाने की जिम्मेदारी PWD को दी गई है। उसके साथ फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नगर का भी आज निरीक्षण किया। लंबे समय से वहाँ व्यापारियों की कुछ समस्याएं सामने आ रही थी, साफ़ सफाई वगैरह को लेकर कुछ शिकायतें भी बीच में आई वहाँ व्यवस्थाओं के संबंध में। तो आज उनके साथ एक बैठक रखी गई थी जिसपे काफ़ी सारी सहमतियाँ बनी हैं, जिसमें कूड़े का निस्तारण नगर निगम के द्वारा किया जाना है, जो पार्किंग अनऑथराइज्ड होती है उससे शुल्क लेने की व्यवस्था करी जानी है, TP नगर की आय किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, वहाँ अन्य सुविधाएं कैसे जोड़ सकते हैं, इनमें कुछ सहमतियां बनी हैं जिस पर आगे ट्रांसपोर्ट नगर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।